में जैन तीर्थ स्थल समृद्ध शिखर को पर्यटन स्थल बनाने को लेकर किए गए फैसले पर जैन समाज की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने तीर्थ स्थल समृद्ध शिखर को पर्यटन स्थल बनाने का फैसला लिया था, जिसके बाद सरकार के इस फैसले के विरोध में जैन समाज के लोगों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। और इसी कड़ी में सहारनपुर में भी जैन समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया। तो वही इस मामले को लेकर जैन धर्म के लोगों का कहना है कि जैन समाज के लिए समृद्ध शिखर पवित्र स्थल है और सरकार जिस तरह से हमारे पवित्र स्थल के साथ में छेड़छाड़ कर रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती तब तक सरकार के इस फैसले का विरोध होता रहेगा। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अपनी रैली निकाली है, ये रैली झारखंड सरकार द्वारा जैन समाज के सबसे पवित्र स्थल पुण्य स्थली जिसको हम सोर्य नगरी मानते हैं श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल बनाने के विरोध में आज जैन समाज सड़कों पर उतरा है। जैन समाज की मांग है कि सम्मेद शिखर जी जहाँ हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, 24 भगवान हमारे होते हैं, इनमें से 20 तीर्थंकर और सैकड़ों हजारों संत वहाँ से मोक्ष के लिए गए, उन्होंने वहाँ पे पूजा पाठ की अर्चना की है, उस तीर्थ स्थली को झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल बना के जैन समाज पर जो कुठाराघात किया है उसको जैन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जैन समाज सहारनपुर का बच्चा बच्चा बुजुर्ग महिला सभी लोग पूरी शांति के साथ मौन व्रत के साथ अंजल त्याग करके यहाँ पर डीएम साहब को पहुँचे हैं और उनको महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन दिया है। यही जैन समाज ने फिर मांग करता है पर्यटन स्थल से मुक्ति दिलाई। जिस तरह से जैन समाज के लोग सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं और फैसला वापस करने की मांग पर अड़े हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से जगह जगह पर जैन धर्म के लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं क्या ये विरोध कोई बड़ा रूप ले सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट।